Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken class. Friends, how are you? Well now, friends, today I am going to teach you about the use of must be and must have. Must be or must have का इस्तेमाल हम किन तरह के sentences के लिए करते हैं, किस तरह के sentences के लिए करते हैं, वो आज हम सीखेंगे. ठीक है friends? Friends, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. फ्रेंड्स, इंग्लिश बहुत ज़रूरी चीज़ है. अगर आप सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आइए और शुरू से हमने जो शुरू से जितने भी वीडियो डाले हैं आप बिल्कुल शुरू से जाकर वीडियो देखिए, रोज़ देखिए, रेगुलर देखिए. मैं वादा करता हूँ आपसे कि आप एक दिन इंग्लिश ज़रूर सीखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, मस्ट बी एंड मस्ट हैव. मस्ट का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत फेमस है. मस्ट का इस्तेमाल काफी होता रहता है, लेकिन मस्ट बी और मस्ट हैव का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं वो आज हम सीखेंगे. ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैंने जो सेंटेंस लिखा है वह ज़रूर मूर्ख होगा. हम बात पे जोर देकर बोलते हैं कि वह ज़रूर मूर्ख होगा. किसी के बारे में हम बोल रहे हैं कि वह ज़रूर मूर्ख होगा, मतलब बनेगा नहीं, होगा. वो ज़रूर मूर्ख है या होगा, मतलब हम संभावना की बात करते हैं लेकिन ज़्यादा विश्वास के साथ हम बोलते हैं, यानी हम ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोलते हैं तो उसको हम मस्ट से बनाते हैं और इसमें मस्ट बी लगाएंगे कि ही मस्ट बी अ फुलिश. ही मस्ट बी अ फुलिश, वह ज़रूर पागल होगा. मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं कि वो पागल बनेगा. वह ज़रूर पागल होगा होने की, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, संभावना में है. बट ये संभावना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोली जा रही है, ज़्यादा जोर दे के बोली जा रही है, ज़्यादा विश्वास के साथ बोली जा रही है कि वो पागल ही होगा और कुछ नहीं. तो वह ज़रूर पागल होगा. ही मस्ट बी मैड, वह ज़रूर मेरा दुश्मन होगा. तो ही मस्ट बी माई एनिमी. ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया मस्ट बी वाला सेंटेंस. कि इस तरह के सेंटेंस हम संभावना की बात करते हैं बट ज़्यादा विश्वास के साथ कर रहे हैं, इसके लिए हम इसमें मस्ट बी का इस्तेमाल कर रहे हैं. कुछ भी होने का जो बोध होता है, होने या रहने का बोध होता है. ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अगर वर्ब होगा तो उसमें हम मस्ट बी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट मस्ट का इस्तेमाल होगा. बट कैसे होगा देखते हैं. तुम्हें दूध ज़रूर पीना चाहिए, यहाँ पर अब वर्ब आ रहा है कि तुम्हें दूध ज़रूर पीना चाहिए. यहाँ पर एडवाइस की बात की जा रही है. हम जब भी एडवाइस की बात करते हैं कि किसी को एडवाइस दे रहे हैं, उस पर हम जोर दे के बोल रहे हैं कि आपको ये ज़रूर करना चाहिए, तो उसमें हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, बी का नहीं, मस्ट का इस्तेमाल करते हैं. तो यू मस्ट ड्रिंक मिल्क. ओके फ्रेंड्स, उसी तरह से है, उसे ज़रूर अंग्रेजी सीखनी चाहिए. तो ही मस्ट लर्न इंग्लिश. फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं कि आप कंफ्यूज मत होना कि मस्ट में इसमें बी क्यों लगा और इसमें बी क्यों नहीं लग रहा है. मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि यहां पर होने या रहने या बनने का बोध है तो इसमें बी लगाते हैं. इसमें कोई पर्टिकुलर वर्ब नहीं है. वह मेरा दुश्मन होगा, इसमें कोई वर्ब नहीं है. इसमें वर्ब की बात की जा रही है कि तुम्हें दूध ज़रूर पीना चाहिए, उसे अंग्रेजी ज़रूर सीखनी चाहिए. तो यहाँ पर सिंपल आप समझ लो कि ना चाहिए, नी चाहिए, इस तरह से आएगा. तो उसको हम मस्ट लगाकर बनाएंगे, ना कि मस्ट बी लगाकर. ठीक है फ्रेंड्स, बी लगाकर नहीं. तुम्हें ज़रूर डॉक्टर बनना चाहिए, अगर हम ऐसे बोलेंगे तो वहाँ पे मस्ट बी ज़रूर होगा, क्योंकि बनना होगा, बनना इज द वर्ब. तो यू मस्ट बी अ डॉक्टर, वहाँ पर हम ज़रूर बी लगाएंगे. ठीक है, उसे ज़रूर इंजीनियर होना चाहिए. तो ही मस्ट बी एन इंजीनियर. ठीक है फ्रेंड्स, तुम्हें जरूर एक नेता बनना चाहिए, यू मस्ट बी अ लीडर. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें मस्ट बी लगाते हैं. इसमें ही मस्ट बी मैड, यहाँ पर उसे पागल होना चाहिए, मतलब वहाँ पर चाहिए का मतलब
फ्यूचर की बात नहीं की जा रही है, वहाँ पर प्रेजेंट की बात की जा रही है कि वो मस्ट भी वो ज़रूर एक पागल होगा। अगर हम बात करते हैं कि वो तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर भी मस्ट बी का ही इस्तेमाल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ज़रूर सीता को देखा होगा। अब यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही है, पास्ट की मतलब जो काम हो गया है उसको हम संभावना में ज़्यादा विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि आपने ज़रूर सीता को देखा होगा। तो इसमें होगा कि यू मस्ट हैव सीन सीता, यू मस्ट हैव सीन सीता। यहाँ पर जैसे मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं और ज़्यादा विश्वास के साथ संभावना भी करते हैं, बट ज़्यादा विश्वास के साथ करते हैं कि आपने ज़रूर सीता को देखा होगा, तो इसमें हम मस्ट हैव और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का तीसरा रूप। ओके फ्रेंड्स, तो यू मस्ट हैव सीन सीता। अब इसको लेते हैं, उसने ज़रूर उसे पीटा होगा, तो ही मस्ट हैव बीटन, नहीं आएगा इधर लिख देते हैं, बीटन हिम, ही मस्ट हैव बीटन हिम, तो उसने उसे ज़रूर पीटा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तुमने ज़रूर मेरी घड़ी चुराई होगी, तो यू मस्ट हैव स्टॉलन माई वॉच, मैंने ज़रूर आपको कहीं देखा होगा या मैंने आपको ज़रूर कहीं देखा है, आई मस्ट हैव सीन यू समवेयर। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम मस्ट हैव और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह के सेंटेंसेस के लिए, जिसमें हम पास्ट की बात यानी काम पूरा हो जाने वाली बात संभावना में बट ज़्यादा विश्वास के साथ कर रहे हैं, तो उसमें हम मस्ट हैव और थर्ड फॉर्म का यानी क्रिया का तीसरा रूप का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।